हेलो गाइज, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। आज मैं बता आपको सीडो क्लास जीसस में। गाइज मैं बता आपको सीडो क्लास ये लिंकिंग मैं पहले आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक कॉमन यूज भी मैं बता दिया आप लोगों को। मैं बता आपको फॉर्म यूज, फोकस, चेक, ये मैं थर्ड पार्ट में आप लोग को बता रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ फोकस। गाइज ये रहा मेरा HTML, यहाँ पर मैं CSS में यहाँ पर लिंक कर दिया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ से सेव कर लिया। सेव कर मैं यहाँ पे बॉडी के नीचे मैंने यहाँ पे दे दिया डिवीजन क्लास। क्लास में मेन कर दिया यहाँ पे डिवीजन। फिर मैं नीचे में मैं डिवीजन क्लास दे दूँ, रजिस्टर कर दूँ। H2 में मैं रजिस्टर हियर कर दूँ। H2 में क्लोज कर दूँ। फिर यहाँ पे फॉर्म दे दूँ, फॉर्म आईडी, रजिस्टर, लेवल। फिर यहाँ से लेवल मैं दे दूँ फर्स्ट नेम। लेवल को मैं क्लोज कर दूँ स्लैश देकर। फिर यहाँ पे बीआर कर दूँ, लाइन ब्रेक कर दूँ। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास नेम कर दूँ। फिर प्लेस प्लेस होल्डर कर दूँ, इनपुट इंटर योर फर्स्ट नेम कर दूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं बीआर दे दूँ, लाइन ब्रेक कर दूँ। इसी तरीके में यहाँ पे इनपुट टाइप फर्स्ट नेम, लेवल फर्स्ट नेम मैं कर दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट ऐसे कर दिया। इसी तरीके मैं यहाँ पे सेकंड में ले लिया लास्ट नेम। उसके बाद मैं ले लिया फादर्स नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया लास्ट नेम। उसके बाद मैंने ले लिया फादर्स नेम। फादर्स नेम मैं कर दिया यहाँ पे। इसी तरीके मैं दे दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट ऐसे। इसी तरीके मैं यहाँ पे दे दिया। फिर मैं आया यहाँ पे लेवल मैं दे दिया योर एज कर दिया। यहाँ पे लेवल को मैं क्लोज कर दिया स्लैश देकर। इनपुट टाइप टेक्स्ट नंबर दे दिया, मिनिमम 18 से लेकर 50 तक मैं यहाँ पे दिया। मैं यहाँ 50 के दिया पे मैं 40 कर दिया। मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 40 तक मैंने दे दिया यहाँ पे। एज मैं दे दिया 18 से लेकर मेरा 40 तक मेरा एज मेरा शो होगा उसमें, आप दे सकते हैं आप। फिर यहाँ पे दे दें क्लास नेम, प्लेस होल्डर। फिर उसके बाद मैंने बीआर दे दिया। फिर ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे कर दिया, ईमेल आईडी कर दिया इस तरीके में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दूँ जेंडर, इनपुट टाइप टेक्स रेडियो, नेम जेंडर, आईडी फीमेल कर दिया, मेल कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं एसपीएन देकर यहाँ पे मेल कर दिया। उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो, जेंडर, आईडी देकर मैं फीमेल कर दिया। इसी तरीके मैं यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद मैंने नाउ लैंग्वेज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बीआर देकर इनपुट टाइप टेक्स टाइप टेक्स देकर मैं चेकबॉक्स कर दिया, आईडी में हिंदी कर दिया। उसके बाद मैंने एसपीएन देकर यहाँ पे हिंदी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स आईडी इंग्लिश कर दिया। उसके बाद एसपीएन देकर यहाँ पे इंग्लिश कर दिया। फिर उसके बाद मैं इनपुट टाइप टाइप में मैं सबमिट दे दिया वैल्यू। वैल्यू के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू में मैं सबमिट दे दिया, आईडी सबमिट कर दिया। यहाँ पे फॉर को मैंने लास्ट में स्लैश देकर क्लोज कर दिया। फिर डिवीजन में मैं यहाँ पे रजिस्टर क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे मेन को, बॉडी को, एचटीएमएल में सबको लास्ट में मैंने स्लैश देकर क्लोज कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ही कंट्रोल इस करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ किस तरीके है मेरा शो हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरा इस तरीके मेरा एचटीएमएल में शो हो रहा है। फर्स्ट नेम, इंटरव्यू फर्स्ट नेम, इंटरव्यू लास्ट नेम, इंटरव्यू फादर्स नेम, क्लिक। गाइस मैं यहाँ पे एज देता हूँ, आप एज यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं करते हैं 80। आप यहाँ से जैसे यहाँ पे 20, 21, 22, 40 से 40 से ज़्यादा यहाँ पे हो नहीं रहा है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे दे 50 ये दे रहा है यहाँ पे। ये 50 यहाँ पे लेगा ही नहीं, जैसे मैं यहाँ से सबमिट करूँगा तो होगा ही नहीं। मैं यहाँ पे दे दूँ 18 से लेकर 40 तक यहाँ पे एज आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। ये ईमेल आईडी, आप जेंडर आप सिलेक्ट करते हो, मेल फीमेल में से दोनों में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश। अब इसको फॉर्म को फिल करके आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सही से डाल दूँ, यहाँ रॉन्ग बता रहा है। अब मैं CSS, इस पर मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ, मेरा किस तरीके का मेरा शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे CSS में दे दूँ मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉडी में दे दें बैकग्राउंड इमेज URL। फिर यहाँ पे इमेज अब अपने फोल्डर के नाम दे दिया हूँ इमेज। यहाँ पे इमेज के नाम दे दिया br.jpg। फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे दिया हूँ, यहाँ पे कलर कोड में मैं दे दिया। यहाँ पे डिवीजन मेन कर दिया, विड्थ कर दिया, मार्जिन कर दिया इतने इतने पिक्सल, ऑटो कर दिया। H2 में मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने डिवीजन डॉट रजिस्टर कर दिया, उसके बाद विड्थ कर दिया, फॉन्ट साइज कर दिया, बॉर्डर रेडियस कर दिया, बैकग्राउंड कलर बॉक्स शैडो कर दिया। यहाँ फॉर्म देकर हाइस देकर रजिस्टर दे दूँ, मार्जिन 40 पिक्सल कर दूँ। लेवल में मैंने दे दिया फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज,
फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया, इनपुट डॉट नेम कर दिया, विड्थ मैं दे दिया 300 पिक्सल कर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉरी यहाँ पे कलर दे दिया, कोड में मैं दे दिया, बॉर्डर रेडियस कर दिया 3 पिक्सल, आउटलाइन 0 पिक्सल कर दिया, पैडिंग 7 पिक्सल कर दिया, बॉर्डर बॉक्स शैडो इंसर्ट कर दिया मैं यहाँ पे 0 पिक्सल 0 पिक्सल 4 पिक्सल RGBA कलर मैं यहाँ परसेंट 00 इस तरीके में दे दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं कर दिया इनपुट हाइस लेकर सबमिट कर दिया, विड्थ मैंने दे दिया 200 पिक्सल, पैडिंग 7 पिक्सल, फॉन्ट साइज यहाँ पे कर दे दिया 60 पिक्सल, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कर दिया, फॉन्ट वेट कर दिया, बॉर्डर रेडियस कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया RGBA कर दिया, कलर यहाँ पे दे दिया, कोड में मैं दे दिया हाइस लगाकर। फिर यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGBA कर दिया, फिर यहाँ पे बॉक्स शैडो कर दिया 1 पिक्सल 1 पिक्सल 5 पिक्सल RGBA, फिर यहाँ पे 00 मैंने, फिर मैं दे दिया इतने परसेंटेज मैं दे दिया, यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल कर दिया। अब मैं HTML में टाइटल के नीचे मैं यहाँ पे CSS फाइल में यहाँ पे टाइटल के नीचे मैं लिंक कर दिया, यहाँ पे लिंक रेल स्टाइल सी टाइप टेक्स्ट CSS, यहाँ पे एच रेफ मैंने फॉर्म सीडो डॉट CSS में यहाँ पे HTML फाइल CSS फाइल यहाँ पे HTML में लिंक कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल इस कर दिया, फिर मैं आया यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो इस तरीके इधर बैकग्राउंड इमेज लगा दूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, फादर्स नेम, एज कर दिया यहाँ पे, एज में मैं यहाँ पे कर दिया 40 करेक्ट है सही है, यहाँ पे मैं कर दिया यहाँ पे 50 कर देता हूँ, यहाँ पे 40 से ज़्यादा इसमें ले गए नहीं, आप इस तरीके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दे दिया नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, एज, ईमेल आई डी, जेंडर ये मैं दे दिया, नॉलेज लैंग्वेज कर दिया, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। गाइस मतलब इस तरीके से हो रहा है, मैं यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड इमेज लगा दिया, मैं यहाँ से इमेज को हटा देता हूँ, और मैं यहाँ से कंट्रोल रिफ्रेश किया तो मेरा फॉन्ट इस तरीके मेरा शो हो रहा है वाइट में। मैं यहाँ से बैकग्राउंड इमेज पीछे से मैं हटा दिया, यहाँ पे इस तरीके मेरा फॉन्ट शो हो रहा है। मैं यहाँ CSS में मैं बता रहा हूँ फोकस, इनपुट मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल इस कर दिया, सेव कर दी, मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया गाइस, मैं जैसे रिफ्रेश किया तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं रेड कलर में यहाँ शो रहा है इस तरीके का। इधर हमारे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, एज, ईमेल आईडी, हमारा जेंडर, लैंग्वेज, ये दो मेरा रेड कलर, फोकस काम नहीं कर रहा है, अप्लाई हुआ ही नहीं है, काम भी नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। फिर मैं CSS में गाइस मैंने यहाँ पे कर दिया इंटर, चेक कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बॉक्स शैडो 0 0 0 कर दिया, 3 पिक्सल रेड कर दिया यहाँ पे। और मैं इसको यहाँ से कंट्रोल इस कर दिया, मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया इसमें मेरा भी अप्लाई हो, पहले से मैं कर दूँ मेल पे जैसे क्लिक किया तो मेरा इस तरीके मेरा इस पर भी फोकस अप्लाई हो गया लैंग्वेज में। गाइस मैं आपको बता दिया फोकस, बता दिया चिक, बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ आपको रेडियो, मैं यहाँ पे दे दिया रेडियो,
मैं इसको यहाँ से कंट्रोल इसको सेव करके मैं रिफ्रेश, मैं इसको सेव कर ले, सेव करके मैं यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये सब पे तो मेरा काम कर रहा है, एजेंडर पे मेरा काम अप्लाई नहीं हो रहा है। गाइस मैं यहाँ पे दे दिया इनपुट टाइप रेडियो, चेक कर दिया, यहाँ पे बॉक्स सेट कर दिया, बॉक्स सेट यहाँ पे इतना इतना पिक्सल रेड कर दिया, यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे रेडियो, जब मैंने चेक बॉक्स कर दिया यहाँ पे चेक कर दिया, यहाँ पे बॉक्स सेट 00 इतना 3 पिक्सल रेड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ कंट्रोल इसको ले सेफ, मैं यहाँ पे जैसे रिप्लेस किया, ये सब पे तो मेरा काम कर रहा है। जैसे मैंने मेल पे क्लिक किया, फीमेल पे किया, इसमें से दोनों पे किसी पे अप्लाई नहीं हुआ है, काम ही नहीं कर रहा है, जैसे इस पे मैंने किया, इस तरीके मेरा शुरू हो रहा है। गाइस मैं यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने रेडियो को यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लस एक्सपेंड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया, इस पे तो मेरा काम कर ही रहा है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने मेल में क्लिक किया, इसमें मेरा काम नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे मेरा इस तरीके का स्पेस कर देता हूँ। गाइस मेरा इसमें इस तरीके का मेरा काम कर रहा है, इंग्लिश पे आ रहा है, इस पर टिक कर रहा हूँ मैं, इस पर मेरा काम रेड करके अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें मैं जो लिखा हो इंग्लिश हिंदी तो इस पर मेरा अप्लाई हो रहा है, इसमें मेरा अप्लाई नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे रेडियो कर दूँगा, रेडियो जब मैं चेकबॉक्स यहाँ पे कर दूँगा तो मेरा अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चेकबॉक्स कर दिया कंट्रोल इसमें भी नहीं हुआ, एमरा लैंग्वेज पे ही अप्लाई हो रहा है। अब मैं यहाँ पे रेडियो ही जाने देता हूँ, कलर एड कर दिया यहाँ पे, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट करके कंट्रोल एस सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एस सेव कर लिया, मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, फिर मैं यहाँ पे मेल में क्लिक किया, ऐसे मेरा काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में मेरा काम कर रहा है, हमें जेंडर पे मेरा काम नहीं कर रहा है, लैंग्वेज में मेरा काम कर रहा है, ये सब पे भी मेरा काम कर रहा है। गाइस मैं यहाँ से फोकस को मैंने हटा दिया, अब मैं यहाँ पे फोकस हटा दिया तो मेरा मैं यहाँ पे रेडियो कर दिया चेकबॉक्स प्लस एक्सपेंड कर दिया, कलर रेड कर दिया, यहाँ पे इनपुट टाइप चेक कर दिया, चेक प्लस एक्सपेंड कर दिया, कलर रेड कर दिया। मैं यहाँ पे सेव कर ले, सेव कर मैं यहाँ पे जैसे रिप्ली यहाँ पे मैं क्लिक किया तो मेरा मेल पे फीमेल पे जैसे मैं क्लिक कर दे कलर मेरा रेड हो गया, जैसे यहाँ पे किया इंग्लिश हो गया मेरा, यहाँ पे किया इंग्लिश हो गया, यहाँ पे किया हिंदी हो गया, इस तरीके मेरा शो हो रहा है। मैं आपको बता दिया फोकस चेक बता दिया, अब मैं बता दिया फोकस बता दिया, चिक बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ आपको डिसेबल इनेबल। अब मैं यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे लास्ट नेम में कर देता हूँ इसमें काम कर रहा है। गाइस में एस्टीमेट में आया या लेबल है, लास्ट नेम लेबल को क्लोज कर दिया गया, यहाँ प्लेस होल्डर इंटरव्यू लास्ट नेम यहाँ पे मैं कर दिया डिसेबल। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल इस कर दिया, फिर मैं आया यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा कर्सर क्लिक करने का आ रहा है, इस तरीके में आया, लास्ट में लगाया हूँ डिसेबल, इसमें मेरा क्लिक करने का आ ही नहीं रहा ऑप्शन, जैसे क्लिक निशान आ रहा है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आया तो कर्सर आ रहा है मेरा क्लिक करने का, तो क्लिक कर दिया इसमें मेरा क्लिक करने का कर्सर आ ही नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे लगाया हूँ डिसेबल। अब मैं देखता हूँ सीएसएस में किस तरीके से डिसेबल अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट, ये सब को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ डिसेबल, फिर यहाँ पे मैं फादर्स नेम में भी मैंने डिसेबल कर दिया,
अब मैं यहाँ से कंट्रोल है, कंट्रोल इस कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरा डिसेबल कर दिया गया है, ये भी रेड कलर में आ रहा है। आप जितना डिसेबल करोगे उतना रेड कलर में आप शो होगा। जैसे मैं ईमेल के जगह पे मैं कर देता हूँ ईमेल, जैसे सेव किया मैं यहाँ से सेव करके मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया इसमें नहीं अप्लाई हुआ है। गाइस ये हमने गाइस ये रहा मैं डिसेबल, मैं आप ये तो को मैं डिसेबल कर दिया, मेरा रेड कलर मिस हो रहा है, ये इनेबल है, मेरा एक्टिव है। एक्टिव है तो आप इसमें कुछ भी आप फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें भी आप। जैसे मैं दे दिया 45, जैसे मैं क्लिक किया गलत बता रहे हैं, मैक्सिमम 40, मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 40 तक आप फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप कर, जैसे यहाँ से आप सबमिट कर ही नहीं सकते हो। जैसे आप 40 था तो मैं सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया, 45 कर दिया, सबमिट होगा ही नहीं। जैसे मैं 30 कर दिया, सबमिट हो गया, 50 किया, नहीं हुआ सबमिट। ये रहा मेरा इनेबल, ये रहा डिसेबल। आप लोग को डिसेबल इनेबल में फिर पता चल गया होगा किस तरीके डिसेबल आप कर सकते हो, किस तरीके आप इनेबल कर सकते हो। गाइस ने फोकस चेक डिसेबल इनेबल में बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको रिक्वायर्ड बता रहा हूँ और ऑप्शन ऑप्शनल। गाइस मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे कर दिया हूँ इनपुट रिक्वायर्ड कर दिया हूँ। रेड कर दिया यहाँ पे बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, ऐप इनपुट टाइप रिक्वायर्ड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कंट्रोल इस कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब मैं HTML में लगा देता हूँ रिक्वायर्ड, मैं यहाँ से डिसेबल हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लास्ट नेम में मैं देता हूँ रिक्वायर्ड। गाइस मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, यहाँ पे दे दिया रिक्वायर्ड लास्ट नेम में। तो मैं इसको यहाँ से सेव करके यहाँ रिप्लेस किया तो मैं लास्ट नेम में रिक्वायर्ड इस तरीके में शो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, सिंक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ से जैसे सबमिट किया मैं फिल प्लीज आउट द दिस फाइल, इस तरीके से शो रहा है, फिल करने को बता रहा है कि इसको फिल करो। ये रहा मेरा रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल पे मैंने रिक्वायर दे दिया तो ईमेल में भी रिक्वायर मेरा आ रहा है। रेड कलर में दे दिया कि मैं रेटी है, इसमें फिल करना है। इसमें जैसे आप फिल करोगे तो फिल करने को बताएगा। ये रहा रिक्वायर। मैं रिक्वायर की जगह पे दे दिया ऑप्शनल। गाइस ये रहा मेरा रिक्वायर्ड, इस तरीके लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम में ई मेल में रिक्वायर्ड लगा दिया हूँ। मैं इस तरीके मेरे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे लास्ट नेम में कर दिया हूँ, यहाँ पे ईमेल आई डी ईमेल में भी कर दिया हूँ। फिर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड की जो पर ऑप्शनल, ये मेरा ऑप्शनल है, आप अपना ऑप्शनल दे सकते हो। जैसे यहाँ से मैं रिक्वायर को हटा देता हूँ। तो मेरा सब में मेरा ऑप्शनल दिखा रहा है। आप ऑप्शनल एक भी एज में दे सकते हो, ऐसे आप ऑप्शनल दे सकते हो। ऑप्शनल का मतलब हो कि आप उसमें फिल करना चाहते हो, जैसे एज हो गया, एज ऑप्शनल है, एज आप डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, ये रहा ऑप्शनल। गाइस मैं बता दिया फोकस चेक डिसेबल,
इनेबल रिक्वायर्ड ऑप्शनल इन रेंज। अब मैं बता रहा हूँ इन रेंज गाइज, मैं ये बताया मैं डिसेबल इनेबल आप लोग को बताया नहीं, मैं यहाँ बता दें इनेबल इस तरीके। आप यहाँ पे डिसेबल जब इनेबल कर सकते हैं, यस इनेबल है जिसमें टाइप कर सकते हैं। तो मैं बताइए डिसेबल डिसेबल आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर मैं दे दिया फादर से मैं डिसेबल और मैं इसे यहाँ से सेव कर रहा हूँ। जैसे आप रिफ्रेश किया तो मैं डिसेबल हो गया। इसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, यहाँ पे इनेबल आप लिख सकते हो। गाइज मैं यहाँ से सबको हटा दी, अब मैं यहाँ कर देता हूँ। गाइज मैं यहाँ पे दे दिया इनपुट इन रेंज बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल इस कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो रेड कलर में शो हो रहा है, जैसे मैं दिया यहाँ पे 40। यहाँ पे कर देता हूँ 50, ये गलत बता रहा है। मैं 18 से 40 दे दिया हूँ, इतना से एज इसमें फील हो सकता है। जैसे मैं कर दिया 18 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इस तरीके मेरे रेड कलर में सूट है। इधर इन रेंज गाइस मैं आप बता रहा हूँ मैं आपको आउट ऑफ रेंज। गाइस मैं यहाँ पे कर दिया इनपुट इन रेंज के जगह मैंने कर दिया आउट ऑफ रेंज 4 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया। मैं आप सेव कर मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो इस तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ 50 पिक्सल, जैसे 50 पिक्सल मैं जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो रेड कलर में शो रहा है। जैसे यहाँ पे थर्ट दे दिया, डन है। 18 से लेकर मैं 18 कर दिया, 18 हो गया। 18 से लेकर 40 तक में मेरा सबमिट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 41 कर देता हूँ तो मेरा सबमिट होगा ही नहीं, गलत बताएगा। जैसे मैं इंटर किया तो यहाँ पे 40 से ज़्यादा मेरे को इसमें होगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ 40 ये हो गया। आपको समझ में आ गया होगा इन रेंज और आउट ऑफ रेंज किस तरीके काम कर रहा है। अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट। गाइस मैं आप लोग बता रहा हूँ रीड ऑनली एंड राइट। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ रीड ऑनली, इसको सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरा क्लिक हो नहीं रहा है। जैसे डिसेबल में कर दिया था उस तरीके मेरा डिसेबल हो गया। इस पर मेरा क्लिक हो रहा है, इस पर क्लिक हो रहा है, इस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कर दिया हूँ लास्ट नेम में इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास, यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं दे दिया इनपुट योर लास्ट नेम रीड ऑनली वैल्यू। उसके बाद मैंने दे दिया ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें मैंने लिख दिया ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप जैसे मैं यहाँ पर मैं सेव कर मैं यहाँ पर जैसे रिफ्रेश किया तो आप पढ़ सकते हैं, इसे आप लिख नहीं सकते हैं, इसे आप कुछ भी इसमें लिख नहीं सकते हैं। लास्ट में भी मेरा अप्लाई हो गया है, डिसेबल में कर दिया, इसको मैं कैंसिल करा दिया डिसेबल। अब मेरा जिसमें यहाँ से रिफ्रेश किया मेरा डिसेबल हट गया। ये रहा मेरा, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, आप इसमें लिख नहीं सकते हैं। ये रहा रीड ऑनली या डिसेबल सेम ही काम करता है। उसमें भी आप लिख नहीं सकते हो, इसमें भी आप डिसेबल में भी आप लिख नहीं सकते हो, आप रीड ऑनली में भी आप लिख नहीं सकते हो। अब मैं बता रहा आपको रीड राइट, यहाँ पर मैं रीड राइट कर दिया कंट्रोल एस। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप इसे आप लिख सकते हैं, ये मैं हटाया नहीं हूँ। यहाँ
से मैं इसको हटा दिया, डिसेबल को भी मैं यहाँ से हटा दिया, और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करके सेव करके रिफ्रेश किया। यहाँ मैं समय मैं दे दूँ इनपुट मैं दे दूँ रीड राइट का मतलब है आप इसमें लिख सकते हैं। आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इरा रीड राइट, अब मैं बता इरा में रीड राइट आप इसमें लिख सकते हैं, रीड ऑनली में आप पढ़ सकते हैं। अब गाइस मैं बता रहा आप लोगों, रीड ऑनली मैं बता दिया, आप पढ़ सकते हैं। रीड राइट मैं बता दिया, आप इसमें उसमें लिख सकते हो। मैं बता रहा आप लोगों वैलिड या इनवैलिड, जैसे मैं यहाँ पे कर दिया इनवैलिड कर दिया। यहाँ पे इनपुट टाइप बॉर्डर फोर पिक्सल सॉलिड डेट वही है, मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, इनवैलिड कर दिया। मैं इसको सेव कर दिया, सेव को मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया कि ऐसा मेरा इनवैलिड है। गाइस मैं यहाँ पे इनपुट इनवैलिड यहाँ पे बॉर्डर फोर पिक्सल सॉलिड डेट कर दिया, मैं यहाँ सेव कर लिया, सेव कर मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया। मैं इस तरीके से बता रहा है इन मिसिंग बता रहा है एंड एट द रेट, इसमें मिसिंग बता रहा है कि एडेट क्यों हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ए बी सी इंटर किया, मिसिंग एंड एडेट एडेट दे रहा है, मैंने एडेट कर दिया, फिर यहाँ पे इंटर किया। अब बता रहा है इनकम्प्लीट, इसको बता रहा है कि अब इसको कंप्लीट करो। जैसे मैं कर दिया डॉट सी एडेट जी मेल डॉट कॉम कर दिया, हम इंटर किया तो हो गया। ये रहा हमारा इनवैलिड। अब यहाँ मैं कर देता हूँ वैलिड, यहाँ पे कर दिया, ये मेरा बॉर्डर फोटो का सॉलिड वही है, मैं इसको चेंज नहीं किया। यहाँ पे इनवैलिड की जगह पे मैं वैलिड कर दिया, अब मैं इसको कंट्रोल एस कर दिया। मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो इस तरीके का इशू हो रहा है, इसमें आप कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी दे रहा है इनकम्प्लीट, तो मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ 50, तो यहाँ पे भी दे रहा है कि 40 से ज़्यादा नहीं आप डाल सकते इसमें, 18 से कम भी नहीं डाल सकते, आप 40 से ज़्यादा भी आप एज इसमें फिल नहीं कर सकते हैं। मैं कर दिया 20, ये रहा हमारा वैलिड है मेरा गाइज। अब मैं बता रहा आप लोग डिफॉल्ट गाइज, मैं यहाँ पे दे दूँ इनपुट डिफॉल्ट बॉर्डर बॉक्स शैडो 003 पिक्सल रेड कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया था इस तरीके से हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है सब। जैसे यहाँ पे दे दिया नाम दे दिया राम दे दिया, सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया फिर से, यहाँ पे इनपुट डिफॉल्ट प्लस एस पे कलर एड कर दिया हूँ। मैं इसको सेव कर लिया, सेव कर मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया, गाइस ये रहा मेरा फॉर्ड बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ये रहा मेरा फॉर्ड। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।